हाय दिया जी के दोस्त डॉक्टर रणबीर मैं लतू नाका बंदी नहीं नहीं मैं तो नाके मतलब हॉस्पिटल में मैं मरीज हूँ मेरा बाप मिला ये हाथ आपका असली है सच्ची बोलो पहली बार जिंदगी में ना किसी सेलिब्रेशन को मिला है वही 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 बहुत अच्छा लग रहा है माँ का सब घर जाके अभी एक महीना नहाऊंगा नहीं मैं यार, आपको मालूम है बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका हाँ आपकी फिल्म में की टिकट है ना ब्लैक कर करके ब्लैक में खरीद खरीद के मैंने फिल्म देखी है साहब सब फिल्में देखते मेरी अरे तुम भी देखते हाँ मेरी अगली फिल्म आ रही है फर्स्ट अप्रैल को नाम सुना है की एंड का की एंड का लड़की हाँ लड़का हाँ मैं भी लड़का मैं भी लड़की लड़का देखिए मेरा जो किरदार है मैं अपने आप आई एम प्लेइंग अर्जुन कपूर इन द शो बट मुझे पता है कि जो दोनों किरदार है नथु और रणवीर के वो इंस्पायर्ड है दीवाना मस्ताना से और जाहिर बात है अगर एक लड़की है तो एक दीवाना बन जाता है और एक मस्ताना बन जाता है इट्स अ फनी शो अली सर की टाइमिंग मैं काफ़ी साल से देखते आ रहा हूँ उनको काम करते हुए उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग है तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ही इज देयर ऑन द शो जान पहचान के भी है पहले भी उनके साथ काम कर चुका हूँ तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हिम ऑन द शो एंड आई नो इट गोविंदा अनिल जाजू डेविड धवन का जो कॉम्बिनेशन है वो फिल्म मेरे लिए यादगार थी तो आई एम हैप्पी दैट समबडी इज यूज दैट एज अ कॉन्सेप्ट टू मेक अ टीवी शॉट यार फैंस इरिटेट नहीं करते कई बार हम इरिटेटेड मूड में होते हैं तो हम कह नहीं पाते यार इस वक्त थोड़ा मूड लेफ्ट राइट चल रहा है तो सहन कर लो बिकॉज उनके लिए वो एक ही मौका होता है हमें मिलने का वो एक ही फोटो है जो जिंदगी भर जिसे याद रखेंगे तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है इवन इफ वी आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ मूड्स पर उसी अभी परसों की बात अभी गोल्डन पेटल्स कल रात की बात है मैं जा रहा था एक लड़के ने मेरे पैर पकड़ लिया तो वो मुझे बहुत अजीब लगा मैं उससे उम्र से एक आध दो साल छोटा ही होऊंगा उसने मेरे पैर पकड़ के मुझसे बोला प्लीज़ फोटो ले लो तो मुझे आई फाउंड दैट रियली फनी मोर देन एनीथिंग एल्स इट डजंट हैव टू टच माय फीट इट्स रियली फनी तो आई एंडेड अप टेकिंग द फोटो बट यू मीट अभी कियन का के बाद लड़कियाँ ज़्यादा इज्जत देने लगी है और प्यार करने लगी है बट नॉर्मली लड़के काफ़ी चिपक जाते हैं मुझसे तो यार क्या है विमेंस डे अब आ रहा है हमारी फिल्म आधारित है एक ऐसे सेटिंग में जो मैं मानता हूँ कि औरतों को जो दर्जा मिलना चाहिए मिलते जा रहा है हमारे बड़े बड़े शहरों में देश की सोच बदल रही है तो हमारे फिल्म के द्वारा हम जताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि थिंग्स कैन चेंज फॉर द बेटर आपको अपनी काबिलियत पे काम मिलना चाहिए आपको जो भूख हो या आपका अगर मन करे तो ही आपको नौकरी करनी चाहिए इट शुड नॉट बी आउट ऑफ प्रेशर या अगर आप नौकरी करना चाहो और कोई आपको रोक दे तो वो क्यों होना चाहिए द फिल्म डील्स दैट इन अ वेरी फन वे तो जो कल मैं करने जा रहा हूँ वो मैं आपको आज बताऊँगा नहीं पर मस्ती होगी मजाक होगा एंड एज यूजुअल आई विल ट्राई एंड मेक ऑल ऑफ योर स्माइल जो मर्द नहीं भी आ रहे वो भी हंस देंगे मुझे देख के ये मैं वादा करता हूँ बट इट शुड बी फन होपफुली आइडिया मेरा था बाल्की सर लाइक द फैक्ट दैट आई सेड वी शुड लॉन्च द सॉन्ग इट्स थोड़ा ऑपोजिट है ना मोस्ट वॉन्टेड मुंडा गाना विमेंस डे पे लॉन्च करना अपने आप में एक ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला सिचुएशन है तो आई थिंक ही लाइक्ड इट सो ही सेड यस वी मस्ट डू द सॉन्ग लॉन्च ऑन विमेंस डे वो आपको ट्रेलर में वो देखा आपने वो जो धर्म जी जैसा करता वो फिल्म में नहीं था वो सिर्फ लाइन बोलती है करीना कि तुझे तेरा ये धर्मेंद्र वाला साइड देख के मुझे कुछ हो रहा है तो मैं खड़ा हुआ था मेरे पास कुछ था नहीं तीन चार टेक हो गए थे तो मैंने बस वो कर दिया शॉट में जाके और बाल्की सर को इतना पसंद है उन्होंने उसी दिन कह दिया था मैं ट्रेलर में डाल दूंगा तो ही केप्ट इट ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड आई इमिटेटेड धर्म जी तो आई थिंक हर फिल्म पे डिपेंड भी करता था काइंड ऑफ फिल्म यू डू इट मैटर्स अ लॉट ऑन दैट ऑल्सो कुछ फिल्में ऐसी होती है जहाँ पे आपको नहीं पता होता इशक ज़्यादा जैसी पिक्चर में मुझे वो जोन पता नहीं था तो शायद उतना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाया कियन का थोड़ी समझ के अंदर है गुंडे जैसी पिक्चर में थोड़ा पॉस्चरिंग और परफॉर्मेंस उसी टाइप का होता है कि आपको इम्प्रोवाइजेशन ही यू हैव टू प्ले टू द गैलरी तो हर पिक्चर में अलग तरीके के सिचुएशंस होते हैं वेदर यू इम्प्रोवाइज और नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर ऑल्सो मैं जिंदगी भर बड़ा हुआ हूँ मेरे बगल में अनिल चाचू राजमा चावल खा रहे हैं तो मुझे कभी वैसी फीलिंग आई नहीं है हालांकि इस बार अमित जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा आई कैन नॉट से आई वॉज स्टार स्ट्रक और इट वॉज अ फैन मोमेंट फॉर मी बट आई फेल्ट लाइक आई हैव अचीव समथिंग इन लाइफ दैट आई कैन शेयर स्क्रीन स्पेस विद अमित जी तो दैट इज़ द क्लोजेस्ट मे बी आई हैव कम एज एन एक्टर एज अ ह्यूमन बींग एज अ पर्सन फीलिंग awestruck or starstruck if that I can call it that but I was just very very proud that I can share screen space with you
Because हमारे लिए थोड़ा taken for granted है ना, I've grown up in the film industry, so I'm a bit used to it. But that felt really nice to me, and it felt a bit surreal also.